तो ये हम चलते चलाते घूमते घुमाते हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स जिनकी 13 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट है इस सूबे में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर 2013 से 18 तक विफाक में भी गवर्नमेंट थी, और आज का हम चूंकि प्रोग्राम कराची के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे कर रहे हैं ग्रीन लाइन बस के तनाजुर में, द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस शाह साहब हमारे साथ, ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ है, तशरीफ फरमाएं सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू जी। सर ओवैस भाई, एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि ये बात बहुत पीपल्स पार्टी के लिए आपके लिए क्या क्या मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ, काबिल अफसोस नहीं है बहुत कि ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है और बहस ये है शहर में कि इसका क्रेडिट नून को देना चाहिए या पीटीआई को, सूबे में हुकूमत अल्लाह के इख्वानुल मुस्लिमून की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है, यानी पीपल्स पार्टी इज नॉट इवन रेलिवेंट इतने बड़े मंसूबे में, आपकी गवर्नमेंट यू शुड बी द फर्स्ट वन, आपको इतना काम कर देना चाहिए था कि ना नून को जरूरत पड़ती ना पीटीआई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम भाई, आपने जो मासूमाना सवाल किया उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि ये जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो ग्रीन लाइन का, ग्रीन लाइन का 2016 में तो नून लीग की गवर्नमेंट ने तय ये हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बसेस और आईटी इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल। मेरा सवाल इससे पहले का भी है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट आई 2013 से 18 जिसके दौरान ये मंसूबा शुरू हुआ, इससे पहले के 5 साल थे 2008 से 2013 तब पीपल्स पार्टी के विफाक में गवर्नमेंट थी और सूबे में भी आपकी थी, तब ऐसा मंसूबा शुरू हो जाना चाहिए था ना। की बात बिल्कुल ठीक है, मंसूबा तो उसमें पहले इस शहर में आना चाहिए था, उन मंसूबों में जो डिले हुई है वो अलग है, देखिए वो भी सबके सामने है, कोताही है ना, नहीं देखिए उसको कोताही ना कहें, उसको आप क्या कहें, अच्छी परफॉर्मेंस, ये अल्फाज कह सकते हैं कि जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं तो आपको ह्यूज फंडिंग की जरूरत होती है, और जब आप डोनर इदारों के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब उनको आपको कन्विंस करना पड़ता है और आप ले आते हैं डोनर इदारों को, तो उनके जिस तरह आपके सूबे में आपको सेपरा रूल्स को फॉलो करना है, पेपरा रूल्स को फॉलो करना है, तो उनके अपने रूल्स होते हैं। 2016 में मंसूबे का आगाज हुआ है तो इसमें आपने, यानी जिस तरह मैंने पहला आपसे सवाल किया कि इस तरह की किसी मंसूबे का पीपल्स पार्टी के दौर में आगाज ना होने की वजह फंड्स की कमी थी, फंड्स की कमी बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इसमें इसका क्वांटम देख लें, अभी आप देखें कि हम जो रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं इसी महीने, रेड लाइन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है, पाकिस्तान की पहली BRT होगी जो सब्सिडी फ्री होगी, और उसका जो इसका अमाउंट है वो $580 मिलियन है, जाहिर सी बात है $580 मिलियन आपको कोई डोनर इदारा ही देगा। अब आप पूछेंगे कि डिले क्यों हुआ, अब मैं बताता जाऊं, अगर हम पिछले 2 सालों में देखेंगे, जब आपकी PC1s एक्नेक में जाती हैं, जब इसको हमने मूव किया तो उसी में पिशावर BRT, पिशावर जो BRT की अप्रूवल है वो हो जाती हैं और इस पे क्वेरीज लगा के वापस भेजा। तो ये अपकमिंग मंसूबा ये क्या है, रेड लाइन मंसूबा, इसका आगाज कब हो रहा है? इंशाल्लाह इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट इसी महीने में हो रहा है, इसी दिसंबर के महीने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसकी कंस्ट्रक्शन ग्राउंड ब्रेकिंग आगाज कर रहे हैं जी, और इसका कंप्लीशन टाइम है विद इन 2 ईयर्स, कंस्ट्रक्शन इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इस तरह ग्रीन लाइन कंप्लीट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर 27 किलोमीटर, यानी इस एतबार से तवालत के एतबार से ये तो ग्रीन लाइन से बड़ा मंसूबा है जी बिल्कुल, तो ये तकरीबन 25 किलोमीटर है, और अपनी नौयत का ये इसलिए मुनफरिद मंसूबा है कि ये सब्सिडी फ्री है, आप अगर सारी अपने खर्चे पे चलेगा, ये अपने खर्चे पे, अगर आप सारी BRTs को देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी BRTs सबसे सब्सिडाइज है, इसका मुनफरिद अंदाज इसलिए है कि इसमें हम बायोगैस प्लांट इंस्टॉल करने जा रहे हैं भैंस कॉलोनी में, जिससे बायोगैस कितनी बसें होंगी इसमें जी, इसमें अप्रोक्सीमेट 260 बसेस हैं, अगेन ग्रीन लाइन से डबल हो गया, तो जी बिल्कुल, 80 बस बिल्कुल, देखें आप, और ये कितने साल में हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया 2 ईयर्स में कंप्लीट होगी। मैं तो पुरानी बात नहीं करता, लेकिन अभी आपसे पहले ही तो वजीर बल्दिया थे, यानी उन्होंने भी कहा था 1000 बसें आएंगी, उसमें कितनी आई हैं? देखें मासूमाना तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटमेंट पे इसलिए शक नहीं किया जाता कि वो बिल्कुल कोशिश करता है, वो ट्राई करता है, उसके पीछे रुकावटें क्या आती हैं, क्या इश्यूज आ जाते हैं, बहुत से इश्यूज आए हैं, 900 आ गई होंगी इसमें, मेरे ख्याल से अब 250 बसें आ रही हैं जो मैं जानता हूं, और जाते हैं सर बता दें, अभी आप कह रहे हैं रेड लाइन जो कि अल्लाह करे बन जाए इंशाल्लाह, लेकिन एक मंसूबा था ऑरेंज लाइन का, 2016 में ही ग्रीन लाइन के मंसूबे का ऐलान हुआ, 2016 में ही ऑरेंज लाइन के मंसूबे का ऐलान हुआ, ग्रीन लाइन है तकरीबन 25 किलोमीटर, ऑरेंज लाइन है तकरीबन 4 किलोमीटर, ग्रीन लाइन है तकरीबन 80 बसें, ऑरेंज लाइन है तकरीबन 12 या 14 बसें, 20 बसें, ठीक है 19-20 बसें, ग्रीन लाइन का पीटीआई ने किया, शुरू नून ने किया, खत्म पीटीआई ने किया, ऑरेंज लाइन पीपल्स पार्टी ने करना था, ये सारा बन गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है सारा कुछ, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग के करीब आ गया, ऑरेंज लाइन क्यों नहीं शुरू होकर दे रही?
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये अगर आप क्वेश्चन सबसे पहले करते तो बहुत मजा आ जाता। अच्छा चलिए आखिर में मजे देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, ठीक है, परसों मैं उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ। आपने कहा था ना कि हमने तो पैसे दे दिए हैं बसेस के, हमने पहली इंस्टॉलमेंट तो दे दी है, हमने पहली इंस्टॉलमेंट भी दे दी, एग्रीमेंट भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अब जब वो हमसे डिमांड करेंगे तो हमने पैसे दे दिए। धुमर साहब के पास में गया था आपसे पहले, मैंने कहा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पैसे दे दिए उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये बयान मेरे साथ खड़े होकर दे दे। मैं तो ये कहूंगा कि असद उमर साहब को आप लाइव ले ले मेरे साथ, तो मैं केसीआर पे भी बात कर लूं, इस पे भी बात कर लूं। दो दिन पहले तो उनका लेटर आया कि हमें पैसे दें, मैं तो वो लेटर शो कर सकता हूं। जी दो दिन पहले कि दूसरी इंस्टॉलमेंट दे, ऑरेंज पहली इंस्टॉलमेंट तो हमने दे दी हुई है उन्हें। ये डिसीजन ये हुआ था कि जब एक कंपनी आएगी वो एस ग्रीन लाइन को भी ऑपरेट करे और ऑरेंज लाइन को भी करे, तो हमने बगैर किसी चीज के ये कहा कि इट्स द ग्रेटर गुड ऑफ द सिटी कि अगर कोई एक कंपनी दोनों लाइंस को ऑपरेट करेगी तो हमें पैसे देने में कोई कबात नहीं है। हमने एग्रीमेंट भी कर लिया, पहली इंस्टॉलमेंट भी दे दी। अब जब पता चला है कि सिंध गवर्नमेंट के पोल खोलने वाली है और सारा ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पड़ा है, आप ITS इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप उसको टेक ओवर नहीं कर रहे, आप उसकी बसें नहीं मंगा रहे, जब मैंने ये मीडिया पे सब चैनल्स पे कहा कि आप हमसे पैसे ले चुके हैं इंस्टॉलमेंट में, दूसरे पैसे आपको कब चाहिए, ले ले मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, जब उन्होंने अभी दो दिन पहले हमें लेटर लिखा है कि हमें दूसरे पैसे दे दे। सही है, तो ऑरेंज लाइन इंशाल्लाह कब तक ऑपरेटिव हो जाएगी? अब ये ग्रीन लाइन उनके ऊपर है कि कब वो हमारी बसें देते हैं, कब हमारी ITS सिस्टम सॉल्व करते हैं। और रेड लाइन हो जाएगी तकरीबन दो साल में इंशाल्लाह, और येलो लाइन भी आ रही है। येलो लाइन की इंशाल्लाह अगले माह अगले साल में जनवरी या फरवरी में उनके फर्स्ट फेज का स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, सारी पार्टीज के मौके पर आ गए जी। जाहिर है दुआ यही है कि इस शहर में बहुत सारे फैक्टर्स रहे, हमने चाहा कि पीपल्स पार्टी से भी पूछ लें, वी कैन नॉट इग्नोर के MQM जो कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर रही है वो अपने तौर पर जाहिर है सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ब्लेम जरूर करती रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि MQM को अपने जब बाकी चीज़ें ठीक करनी होती थी तो बहुत सारे एहतजाज वगैरह सब हो जाता था। इसमें हम चूँकि जिम्मेदारों की बात कर रहे हैं तो इसमें MQM को भी किसी एतबार से इसमें बरी जिम्मा करार मैं तो नहीं दे सकता। बहर अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें इंशाल्लाह जिस तरह कही जा रही हैं वैसे हो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अगले महीने मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।